सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 1 संसाधन और विकास पर चल रहे थे। कल जो हमने देखा वो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना संभावित संसाधन कौन से हैं। संभावित संसाधनों के बाद हमने जाना विकसित संसाधन कौन से हैं। उसके बाद हमने जाना स्टॉक क्या होता है, भंडार जिसे हम कहते हैं। भंडार के बाद हमने जाना कि संचित कोष किसे कहते हैं। संचित कोष को जानने के बाद हमने संसाधनों के अधिक प्रयोग से होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की थी और उन्हीं पर एक छोटी सी दो प्रश्न आपसे पूछे थे ताकि पता चल सके आपको कितना आता है। देखिए, आज के भाग में जो हम बनाने जा रहे हैं वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि आप संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाले बच्चों के लिए वो संसाधन बचे रहें, वो उनका प्रयोग कर सकें। उसके बाद हम जानेंगे पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, संसाधनों का नियोजन के बारे में जानेंगे, भू संसाधन जानेंगे कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है, हमारे भारत में भूमि कितने और कैसे बटी हुई है, कि कितने भाग में हम कृषि करते हैं, कितने में हम रह रहे हैं, कितने में नदियां और झीलें, उन सब के बारे में जानेंगे। जो उससे आगे हम जानेंगे कि भूमि के हमारे पास क्या क्या उपयोग है। देखिए, बहुत ही उपयोगी है भूमि। भूमि है तो सब कुछ है। हम उस पर वन लगा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, रह रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो सब क्रियाएं जो हैं वो भूमि पर ही निर्भर करती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक संसाधन एवं विकास। आइए जानते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि आप पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का प्रयोग करें ताकि जो संसाधन हैं वो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, बचे रहें। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करना और पर्यावरण को हानि ना पहुंचाना ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उन्हें उन संसाधनों का वो प्रयोग कर सकें। अगला देखते हैं। अब हम अगला है जी हमारा रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो। देखिए, ये सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, जून 1992 में हुआ। इसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण करना, देशों का सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने में सहायता करना। दो मुख्य उद्देश्य थे, सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण, दूसरा सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढना। तो इसमें जो नेता थे उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के बारे में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो उन्होंने सहमति जताई कि हम अपने देश में इस तरह के प्रयास करेंगे कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे, और दूसरा जो वन हैं उनका क्षेत्र निश्चित किया गया हर देश के लिए। तो उस सभी पर सहमति बनी। तो जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था उसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन कब हुआ, वेरी शॉर्ट में आ जाता है। आपका आंसर होगा 1992, जून 1992। कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया, आपका आंसर है 100। किस लिए हुआ था ये सम्मेलन? पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। और जो नेता थे उन्होंने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और वन सिद्धांत पर एक सहमति बनी उनकी कि हम अपने देश में इतने प्रतिशत भाग पर वनों को लगाएंगे ताकि जो पर्यावरण है, देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जो ऑक्सीजन है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, कार्बन का स्तर बढ़ जाएगा, तो जो हमारी ओजोन परत है वो ख़राब हो जाएगी और पूरे विश्व का पर्यावरण जो है वो असंतुलित हो जाएगा। तो ये जो सम्मेलन था वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए था। अब हम अगला देखते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? ये भी 1992 में हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में हुआ था ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं तथा सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचने से बचाना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय निकाय एक ऐसे संसाधन तैयार करें जिससे पर्यावरण को हानि कम हो। तो ये जो दोनों ही थे, एजेंडा 21 या रियो पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं हम, रिसोर्स प्लानिंग, संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन एक ऐसी रणनीति बनाने से संबंधित है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई साधन प्रचुर मात्रा में है, तो उसका ये नहीं कि हम दुरुपयोग करें, उनको इस तरह से प्रयोग करें कि हम अपने देश के विकास में उसका प्रयोग कर सकें। तो आइए देखते हैं क्या है। संसाधन नियोजन आवश्यक है क्योंकि सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कहीं पर अधिक मात्रा में और कहीं पर कम। अगर हम उनका नियोजन नहीं करेंगे तो वो नुकसान ही होगा हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नहीं बचेंगे। एक स्थान मान लीजिए झारखंड और मध्य प्रदेश में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अगर वो उन्हें लगातार मिसयूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो आने वाले बच्चे क्या यूज़ करेंगे। तो संसाधन नियोजन है कि आप एक प्लानिंग के साथ संसाधनों का प्रयोग करें। अब है भूमि। तो जो भूमि है वो भी एक क्या है? हमारा संसाधन। तो भू संसाधन क्या है? हम भूमि पर रहते हैं और अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए यहीं पर हम कृषि कर रहे हैं, रह रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, संचार के साधन चला रहे हैं, वायु परिवहन चला रहे हैं, जल परिवहन। देखिए भूमि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारा वन्य जीवन इस पर निर्भर है। तो हमें जो इसका प्रयोग है बहुत ही सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ये देखिए एक डायग्राम, इसमें आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ कैसा है। देखिए जो ब्लू है वो मैदानी भाग को दिखा रहा है। तो जो 43% भाग है भूमि का वो मैदानी है, मतलब समतल भाग है जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे हमारे हरियाणा पंजाब इस तरह के सारे वो मैदानी इलाके हैं। जो रेड वाला है वो आपको पर्वतीय दिखा रहा है, जहाँ पहाड़ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आपका सारा। और उसके बाद जो है पठार, जो 27% हिस्सा है वो पठारी एरिया को दिखा रहे हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए क्या कह रहा है इसमें कि जो पहले इस वाले को हम देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो ब्लू है वो वन है। भारत में वन कितने प्रतिशत है? देखिए 18.11% भाग में वन है। उसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है, ये 1960 और 61 का आंकड़ा है, ठीक है नहीं, और ये 2014 और 15 का। चलिए फिर से हम देखते हैं, ये 18.11% वन थे 1960 और 61 में, अब बढ़कर कितने हो गए? 23.3%, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए रेड वाला आपको क्या कह रहा है, बंजर भूमि। 18.11% 60-61 में बंजर भूमि थी, अब बंजर भूमि कम होकर कितनी हो गई? 5.5%। उसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है, जो ये हल्का ग्रीन है वो है आपकी गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत जो भूमि आती है वो है 4.95।
तो अब ये कितनी हो गई है बढ़ के 8.7%। उसके बाद देखिए जो पर्पल वाला है वो चारागाह की भूमि है 4.71 और अब है 3.3। उससे आगे देखिए विविध वृक्ष और फसल के अंतर्गत 1.50 और अब है 1%। तो ये आपको दो पाई डायग्राम दिए गए, ठीक है जी। आपको इसमें डाटा कंपेयर करके बाजार का कि देखिए हमारे भारत में किस तरह की स्थिति थी 1960-61 में और अब 2014 और 15 में क्या स्थिति है, ठीक है जी। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब हमें दिखा रहे हैं कि हमने भूमि का प्रयोग कैसे किया। देखिए जो वन है वहाँ 26% है, जहाँ परमानेंट रहने की वो है 26%। उसके बाद क्रॉप लैंड जहाँ पर की फसलें हैं वो है 12%। वेट लैंड जहाँ की पानी झीलें हैं वो है 3%। अर्बन एरिया है 3%। अदर रॉक आइस जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, डेजर्ट है, टुंड्रा है के वन प्रदेश आते हैं वो है 30%। तो इस तरह से ये भूमि यूज़ हो रही है कि 30% में तो वन है, पहाड़ हैं, बर्फ से ढके हुए जगह, 26% पूरा ही वनों से ढका हुआ है और उसके बाद 26% परमानेंट रहने का स्थान है जो आपकी कृषि के अंतर्गत है भूमि, वो 12%। जो समुंदर झीलें हैं वो है 3%। और उसके बाद अर्बन एरिया जो है वो है 3%। चलिए अब हम देखते हैं हम भू संसाधनों का प्रयोग क्या करते हैं। सबसे पहले वन है, उन पर कृषि के लिए भूमि है, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है, ऐसी भूमि है जिस पर कृषि नहीं की जा सकती या बिल्कुल बंजर है। उसके बाद गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उगाई गई भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग आदि हैं उन पर ये भूमि का प्रयोग। उसके बाद ये तो पहले दो प्रयोग हो गए भूमि के, पहला वन, दूसरा कृषि के लिए भूमि। तीसरा पॉइंट अब हम देखते हैं वो है प्रतिभूमि तथा अन्य कृषि योग्य भूमि। प्रतिभूमि क्या होती है? एक ऐसी भूमि जहां हम कृषि करने के बाद कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ देते हैं ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो वापस आ जाए। तो इसमें आपके आ जाते हैं स्थायी चरागाह या अन्य गोचर भूमि, विविध प्रकार के वृक्ष और फसलें, बंजर भूमि जहाँ 5 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हो। प्रतिभूमि क्या है? देखिए जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती ना की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि 1 से 5 वर्ष के लिए जहाँ खेती ना की गई। तो ये सारे आपके भू उपयोग आ गए, भू संसाधनों का उपयोग। पहला वन लगाने में, दूसरा कृषि में, तीसरा है आपका प्रतिभूमि में। अब आगे हम देखते हैं उसका चौथा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ पर कि आपने फसल बोई है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है निवल बोया गया क्षेत्र, ये विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। देखिए पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम वन नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे।